शाहपुर के एचएन सिंह चौराहे पर सोमवार की दोपहर में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह के छोटे भाई रमाशंकर सिंह की कार से स्कूटी की टक्कर हो गई। स्कूटी सवार की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। विधायक के भाई का आरोप है कि बीच बचाव करने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। थाने लाने पर थानेदार के कहने पर उनकी पिटाई की। सीओ गोरखनाथ आरोप की जांच कर रहे हैं। थाने से छूटने के बाद रमाशंकर सिंह अपने समर्थकों, भाजपा व हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं संग एसएसपी आवास पहुंचे। एसएसपी जोगेंद्र कुमार को प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे अपने चालक राहुल के साथ कार से घर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एचएन सिंह चौराहे पर स्कूटी सवार ने कार में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बम्पर टूट गया। सूचना देने पर शाहपुर थाने पर तैनात दरोगा रवि यादव व सिपाही अनिल मौके पर पहुंच गए। आते ही इन लोगों ने राहुल को गाली देना शुरू कर दिया। रोकने पर प्रयास करने पर उनके साथ भी अभद्रता शुरू कर दी। इसी बीच थाने की जीप लेकर दरोगा छोटेलाल व 2 सिपाही पहुंचे। राहुल के साथ ही उनको थाने उठा ले गए। घटना की जानकारी उन्होंने थाना प्रभारी सुधीर सिंह को दी, लेकिन उनके कहने पर दरोगा रवि प्रकाश यादव, छोटेलाल, सिपाही अनिल व 2 अज्ञात लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। जानकारी होने पर भाजपा नेता व उनके समर्थक थाने पर पहुंचे, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह को मामले की जांच सौंपी थी, जिसमें थाना शाहपुर में हुई घटना के संबंध में तत्काल जांच क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ से कराई गई। प्रथम दृष्टया उप निरीक्षक रवि प्रकाश को दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर एसएसपी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उप निरीक्षक छोटेलाल और कांस्टेबल अनिल यादव को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच एसपी सिटी द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रभारी निरीक्षक शाहपुर सुधीर कुमार सिंह के बारे में की भी जांच की जाएगी। किसी भी दशा में अधिकारी कर्मचारी गणों को दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए विधायक के पीड़ित भाई रमाशंकर सिंह ने कहा। नमस्ते भैया, सुशील डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ ना कुछ नहीं। ये हमारे मित्र हैं राहुल, इन्होंने हमारी गाड़ी लेके एचएन सिंह चौराहे से पीछे गए थे। ये तो आगे ट्रक था, वहाँ पर के एक स्कूटी वाले ने पीछे से ठोकर मार दिया।
और इसको लेके आए, उसके बाद ये बात हो रही थी हम लोग की, उसके अभिभावक भी आ गए थे और कह रहे थे कि सर जो भी डैमेज हुआ है वो हम लोग आपस में समझ के ठीक करा लेंगे। इसके बाद एक दरोगा आए रवि प्रकाश यादव, उनको बुलाया गया, उनको बुला करके और उसके बाद इनको बड़े बदतमीज से कहे अभी इधर आओ। तो हमने कहा कि भाई इस तरह से बात बात करिए, आप लोग एक सम्मानित हैं, सिपाही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से, मैं तो इनको ऐसे जान रहे थे जैसे कि अभी गाड़ी से उतर के इनको मार देंगे वो। तो हमने मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड करने लगे, तब हमको उसने कई लोगों को सिपाहियों को बुला लिया और उसके बाद इनको गाड़ी पे लेके गए और थाने पे भी मारे, गाड़ी में भी मारे और उसके बाद हमको भी थाने पे ले गई है। और उसके बाद थाने पे जो गया तो जो हुआ सो हुआ। हाँ, एसओ साहब थे उनसे तो हमारे नहीं, उन्होंने जैसे जो सिपाही ले गए थे छोटे लाल, तो छोटे लाल ने उन्होंने वो दरोगा है क्या है हमको नहीं पता है, और वहाँ ने एसओ से जाके बताया, हमने विधायक जी से बात कराई थी तो जाके सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर थाने के अंदर ले गए, उसके बाद तब फिर जब कई लोगों से बात हुआ तब फिर अब आश्वासन का हम कार्रवाई करेंगे इस पर, पहले आप अपना चेक करके जो भी है विभागीय उन्होंने कहा कि करेंगे।